कृष्ण की नगरी में गूंजे माता रानी के जयकारे। भारतवर्ष जैसा कि धार्मिक देश है, जिसमें हर धर्म व जाति के त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ सभी लोग मनाते हुए नजर आते हैं। इसी के चलते आज जैत मास की नवरात्रि की शुरुआत होते ही ब्रज मंडल के सभी देवी मंदिरों पर देवी के भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला, जहाँ लंबी लंबी कतारों में लगकर महिला व पुरुष देवी की पूजा करते हुए नजर आ रहे थे। यह कतारें सुबह से ही लगी हुई नजर आ रही थीं, मगर गौर देने की बात यह है कि प्रशासन की ओर से यहां कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। हम आपको बताते चले कि गोवर्धन स्थित प्राचीन मनसा देवी मंदिर पर सुबह से ही देवी के भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला था। यहाँ लंबी लंबी कतारों में लगकर देवी के महिला व पुरुष भक्त देवी को निभाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे, मगर प्रशासन की ओर से यहाँ कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। कोई भी सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देगा। जी, आज जैसा कि देवी मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कारण है? आज से हमारे हिंदू पर्व का चैत महीना और बसपर पर्व शुरू होता है। हमारे हिंदू महीना आज से हमारे हिंदू के पंचांग आज से लागू होंगे। सबरे जो भी अपने ब्रज मंडल में तीज त्योहार जो हुई है, आज समापन है। होली का आज हमारे डाणा घटता है, आज समाप्त होता है। आज से माता के नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं। तो हिंदू अपने बड़े रीति रिवाज से करते हैं माता का, कि हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व है, इसको सभी लोग मिलकर अच्छे हर्षोल्लास से मनाते हैं।